लेकिन आज पहली बार लाइफ में मुझे एक नागरिक होने के नाते, एक आदर्श नागरिक होने के नाते पुरस्कार मिला है, पद्मश्री, इस देश से, इस गवर्नमेंट से, और मैं आभारी हूँ। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था छोटी उम्र में, तो काफ़ी लंबे समय तक मुझे सफलता नहीं मिली। 8-10 सालों बाद जब मुझे सफलता मिली, तो मैंने उस सफलता का मजा ना लेते हुए जिन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, कई तरह के जो फेयरनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको मना किया, उनका बहिष्कार किया, आइटम नंबर्स का बहिष्कार किया, बड़े बड़े हीरो की फिल्मों में, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में काम करने से मना कर दिया, बहुत सारा दुश्मन भी बनाए, पैसे से ज़्यादा दुश्मन बनाए। और फिर जब और ज़्यादा जागरूकता आई देश को लेके, तो देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ, फिर चाहे वो जिहादी हों या खालिस्तानी हों या दुश्मन देश हों, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और ना जाने कितने केसेस अभी भी मुझ पर हैं। और अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मिलता है ये सब करके, क्यों करती हो, क्यों ये सब करती रहती हो, तुम्हारा काम नहीं है। तो उन लोगों का आज मुझे ये जवाब मिला है कि ये पद्मश्री के रूप पे जो मुझे सम्मान मिला है, ये बहुत लोगों के मुंह बंद करेगा। तो बहुत दिल से मैं इस देश का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।